सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इस कहानी के लेखक हैं इमरान कुरैशी। मेघना अपने कमरे में लेटी हुई कुछ सोच रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा उसकी खुशी को बयान कर रहा था। यकीन नहीं होता, 2 महीने पहले तक मुझे कोई जानता भी नहीं था और आज पूरे इंडिया में हर म्यूजिक लवर की जुबान पर बस एक ही नाम है, सिंगर मेघना आलूवालिया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। अब उसने सोने के लिए आंखें बंद की ही थी कि उसको छत से अजीब सी धम धम सुनाई देने लगी। इस टाइम मेरे घर की छत पर भला कौन हो सकता है, मैं तो घर में अकेली रहती हूँ। वो आवाज अभी भी बराबर आ रही थी। मेघना अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों से होती हुई छत पर पहुंची। उसने पाया कि छत पर कोई नहीं है और वो आवाजें भी अचानक से बंद हो गई थी। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी? तभी उसको एक गुनगुनाहट सुनाई दी। अजनबी हवाएं बेकरार आई, दे रही सदाएं, आजा आजा, मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। ये आवाज सुनकर वो एकदम चौंक पड़ी। अब उसने गौर किया कि छत के एक कोने में बैठी हुई एक लड़की इस गाने को गुनगुना रही है। उसके कपड़े सफेद थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। कौन हो तुम और मेरा गाना इतनी डरावनी तरह से क्यों गा रही हो? यह सुनकर उस लड़की ने अचानक से अपना सर ऊपर उठाया। उसका भयानक चेहरा देखकर मेघना का दिल दहल उठा। एक तेज चीख उसके मुंह से निकली। वह लड़की अपने चारों हाथ पैरों पर मेघना की तरह बढ़ने लगी। मेघना उससे बचने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागी तो हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया। अजनबी हवाएं बेकरार आई, दे रही सदाएं, आजा आजा। तीन दिन पहले गोल्डन चीप स्टेडियम स्टेज पर टॉप न्यूज एंकर की एंकर श्वेता बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने मेघना, संजय और शिवम भी बैठे हुए थे। कुर्सियों पर बैठी ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह से मेघना पर था। तुम इस मेघना, आपका गाना अजनबी हवाएं एक ओल्ड सॉन्ग का रीमेक होने के बावजूद इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि 2 महीने के अंदर उसके व्यूज बिलियंस में हो गए हैं। इसके साथ ही आप 2023 के बेस्ट सिंगर्स में नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। तो बताइए, इतनी बुलंदी पर पहुंचकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये गाना लोगों को इतना पसंद आएगा। मैंने जब ये गाना गाया तो इसका टारगेट मैंने सिर्फ 100 मिलियन का रखा था, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर ये बिलियन में सुना गया। इसके लिए मैं अपने सभी फैंस की शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर उसने ऑडियंस की तरफ देखा और पूरा स्टेडियम तालियों के शोर से गूंज गया। इस गाने का अजनबी हवाएं वर्ड तो आपने पुराने सॉन्ग से लिया था, लेकिन बाकी के जो खूबसूरत वर्ड्स आपने खुद से लिखे हैं, उनका आइडिया आपके माइंड में आखिर कहां से आया? इस पर मेघना ने संजय और शिवम की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर जवाब दिया। मैं ऐसा इसलिए लिख पाई क्योंकि मेरा बचपन से ही ऐसा गाना गाने का सपना था जो पूरे देश को पसंद आए। काफी देर तक मेघना का इंटरव्यू चला। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद मेघना से मिलने वाले फैंस की भीड़ अपनी कुर्सियां छोड़ चुकी थी, इसलिए इन तीनों की गाड़ी को पीछे वाले गेट से निकाल दिया गया। मेघना यार, सच में जब से हमारा गाना फेमस हुआ है ना, मुझे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। इडियट, सिर्फ फीलिंग आने वाली बात नहीं है, मैं तो सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। अब देखना, एनुअल अवार्ड फंक्शन में मैं इसी सॉन्ग को स्टेज पर गाऊंगी और इस साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे गाने का म्यूजिक मैंने बनाया है और प्रोडक्शन संजय का है। तुम्हारी कामयाबी में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ यार, मुझे पता है, तुम लोग फिक्र मत करो, अगला गाना भी मैं तुम्हारे साथ ही करने वाली हूँ, ठीक है? मेघना बहुत ज्यादा खुश थी। उसको महसूस हो रहा था कि जैसे उसने आसमान छू लिया हो। घर पहुँचने के बाद भी उसकी आंखों के सामने वही इंटरव्यू वाला दृश्य घूम रहा था।
उसके बाहरी फैंस किस तरह उसको देखने के लिए उतावले हो रहे थे, यह एहसास उसके चेहरे की मुस्कान को हल्का नहीं होने दे रहा था। यह रात के 12 बजे का टाइम था। शिवम अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी स्क्रीन को वो स्क्रॉल करते हुए नीचे जा रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा आजा। यह आवाज इतनी भयानक थी कि शिवम चौंक पड़ा और डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। उसने एलईडी टीवी की तरफ देखा तो वो बंद था। एलईडी भी बंद है, फिर ये गाने की आवाज कहां से आ रही है? मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। इस बार इस भयानक आवाज ने शिवम को अंदर तक से डरा दिया। मुझे ये बेहुदा मजाक पसंद नहीं है, कौन है वहां? शिवम बेड से उठा और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उसने पाया कि कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। कौन हो तुम? यह सुनकर उस लड़की ने पहले शिवम को अपना भयानक चेहरा दिखाया, जिसे देखकर शिवम के होश उड़ गए। फिर तेजी से भागकर वो शिवम के गले से लिपट गई। छोड़ो मुझे। शिवम ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की तो जमीन पर गिर गया। अब शिवम नीचे था और वो उसके पेट पर बैठी उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा। मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शिवम के कानों से खून आने लगा। घर की सभी खिड़कियों के कांच टूट गए और एक जोरदार चीख के साथ शिवम ने दम तोड़ दिया। शिवम की अचानक मौत हो जाने से मेघना और संजय दोनों को ही बड़ा झटका लगा था। उसकी जलती चिता के सामने खड़े हुए वो दोनों ही आंसू बहा रहे थे। धीरे धीरे सभी वहां से जा चुके थे, लेकिन मेघना अभी भी उस चिता को देख रही थी और संजय भी उसकी वजह से वहीं रुका हुआ था। चलो मेघना, कब तक उसकी याद में आंसू बहाती रहोगी? भगवान को यही मंजूर था। संजय मेघना को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन मेघना के मुंह पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। संजय ने उसको घर ड्रॉप किया और वो अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। अभी संजय कार वापस घुमा ही रहा था कि उसको ठीक सामने एक वही लड़की खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा। मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। क्या बकवास है ये? वो गुस्से में कार से बाहर निकला और तभी उस लड़की ने कसकर उसे गले लगा लिया। ये तो संजय की आवाज है। मेघना अपने कमरे से निकलकर बाहर गई तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संजय का शरीर जमीन पर पड़ा था। वो लड़की कार के बोनट पर संजय का सर अपनी गोद में रखकर बैठी हुई थी। अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा। मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। ये गाना गाकर वो बहुत जोरों से चिल्लाई। उसकी चीखने की आवाज से बचने के लिए मेघना ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन फिर भी वो उस आवाज को झेल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल के साथ उसके सामने खड़ा था। मिस मेघना, आप बता सकती हैं कि आपके प्रोड्यूसर संजय को किसने मारा और आप किस वजह से बेहोश हुई थी? मेघना के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो बहुत शोक में दिख रही थी। पुलिस ने आगे उससे कोई पूछताछ नहीं की। कुछ देर बाद मेघना को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसको हर वक्त उसी लड़की की भयानक गुनगुनाहट सुनाई देती थी। वह कमरे में होती तो ऐसा लगता वह लड़की ठीक उसके पीछे बैठी गुनगुना रही है। कभी कभी ऐसा लगता कि वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठी है और उसके कान में वही गाना गुनगुना रही है। यहां तक कि वो मार्केट में जाती तो उसको वो लड़की अपने आसपास ही दिखाई देती थी।
अजनबी हवाएं बेकरार आई, दे रही सदाएं, आ जा आ जा। चुप हो जाओ, कौन हो तुम? जिस गाने को गाकर वो 2 महीनों के अंदर पूरे इंडिया में फेमस हुई थी, अब उसी गाने की धुन तक से उसको डर लगने लगा था। हेलो हेलो, मेघना मैम जी, परसों एनुअल अवार्ड फंक्शन होने वाला है, आप बेस्ट सिंगर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सॉन्ग स्टेज पर गाकर फंक्शन को और अच्छा बनाएं। जी शुक्रिया, मैं गाऊंगी। थैंक यू मैम। ये सुनकर मेघना ने कॉल कट कर दी। मेघना को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस घड़ी का उसको इंतजार था कि वो अपने गाने को स्टेज पर लाइव गाए और लोगों को अपनी आवाज का एक बार फिर से दीवाना बनाए, वो लम्हा आने को तैयार था, लेकिन वो अब उसको गाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रात के समय अचानक उसको वही गुनगुनाहट सुनाई दी। अजनबी हवाएं बेकरार आई, दे रही सदाएं, आ जा। मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाए, आ जा आ जा। इस बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और दिल दहल गया। उसने अब दर्द में चीखते हुए सवाल किया, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कौन हो? उसके इतना कहते ही सामने लगे आईने में उसको वही भयानक लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार धीरे धीरे वो ठीक हुई और उसने एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया। उसका चेहरा देखकर मेघना की आंखें हैरानी से ऐसे फट पड़ी जैसे कि उसने उसे पहचान लिया हो। उसने तभी लैपटॉप ऑन किया और अपना वो गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया। फिर उसने एक दूसरा गाना रिलीज किया जिसमें वही लड़की उस गाने को गा रही थी जो उसको आईने में नजर आई थी। ये गाना रातों रात बहुत फेमस हुआ और सभी इस बात से हैरान थे कि मेघना ने अपना गाना डिलीट क्यों किया। इस घटना के तीसरे दिन एनुअल अवार्ड फंक्शन था। मेघना स्टेज पर खड़ी थी, उसे देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये शो यूट्यूब पर लाइव भी चल रहा था, लेकिन मेघना की आंखों में जरा भी खुशी नहीं थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरे गाने को आपने कितना प्यार दिया है और आपकी ही बदौलत मैं यहाँ इस मंच पर खड़ी हूँ, लेकिन वो गाना मैंने डिलीट क्यों किया और उसकी जगह जो नया वीडियो अपलोड किया है उसको गाने वाली वो लड़की कौन है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस गाने को इतना पसंद करके आपने मुझे इतनी शोहरत और इज्जत दी है, वो गाना मेरा कभी था ही नहीं। ये सुनकर सभी को बड़ा तेज झटका लगा। मुझे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। जब ये बात मैंने अपने दोस्त संजय और शिवम को बताई तो उन्होंने भी मेरा साथ देने का फैसला किया। हमने तय किया कि उस गाने को लिखने और म्यूजिक बनाने का काम शिवम करेगा और उसको प्रोड्यूस संजय करेगा। उसके बाद हम उसको अपने ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज करेंगे। इसी सोच के साथ शिवम ने मेरे लिए कई गाने लिखे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं लिख पाया था जिसके साथ मैं अपना करियर शुरू कर सकूं। फिर एक दिन विजयगढ़ गांव की एक लड़की सुमित्रा हमसे मिली। उसने कहा कि उसने एक गाना लिखा है जिसे वो अपनी ही आवाज में गाना चाहती है, लेकिन इस गाने को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि हम चाहे तो उसका गाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों ने उसका गाना पढ़ा तो हमने फौरन उससे हाँ कर दी। उसने गाना गाया और बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं चाहती थी कि वो गाना मैं अपनी आवाज में रिलीज करूं और सुमित्रा को मिलने वाली कामयाबी मैं हासिल कर लूं। इसीलिए जब उसका गाना रिकॉर्ड हो गया तो हमने उसको उसके घर भेज दिया। फिर वही गाना मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और जब हमने अगले दिन उसको रिलीज किया तो उसका लिखा हुआ गाना मुझे गाते हुए देखकर उसको बहुत बुरा लगा। हम चाहते थे कि जब गाना कुछ अच्छा बिजनेस कर लेगा तो हम उसको कुछ पैसे देकर चुप कर देंगे, लेकिन उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी तबीयत बिगड़ गई और दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती चली गई। फिर एक दिन उसने दम तोड़ दिया। उसकी ये बात सुनकर पूरा देश हैरान हो रहा था कि कैसे कोई शोहरत पाने के लिए इस हद तक जा सकता है। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका बदला लेने के लिए वो मरने के बाद भी वापस आई है। उसी के डर से मैंने मेरा गाना डिलीट करके उसकी आवाज में वो गाना रिलीज किया है। उम्मीद है कि वो अब मेरी जान बख्श देगी। ये सुनकर ऑडियंस का गुस्सा परवान चढ़ गया और मेघना को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। सुमित्रा की आवाज में गाया हुआ वो गाना लोगों को मेघना के गाए गाने से भी ज्यादा पसंद आया। जिंदा रहते ना सही, लेकिन मरने के बाद सुमित्रा का सपना सच हुआ। लेकिन मेघना को अभी भी सुमित्रा हर जगह दिखाई देती है और वो वही गुनगुनाहट के साथ
उसको डराती रहती है। अजनबी हवाएं बेकरार आहें, दे रही सदाएं, आजा आजा, मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें, फिर तुझे बुलाएं, आजा आजा आजा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।